स्वयं के प्रति ऑथेंटिक सच्चे रहने का अर्थ है अपने अस्तित्व के प्रति सत्य रहना। परंतु स्वयं के प्रति सत्य कैसे रहा जाए, इसके लिए तीन बातें स्मरण रखनी आवश्यक है। पहली, कभी भी किसी और की बातों का अनुसरण ना करो। जो वह तुम्हारे लिए कहते हैं या सजेस्ट करते हैं, हमेशा अपनी आंतरिक आवाज को सुनो कि तुम क्या होना चाहते हो, कि क्या तुम्हारा सच है, अन्यथा तुम्हारा संपूर्ण जीवन व्यर्थ हो जाएगा। स्मरण रखो, अपनी आंतरिक आवाज के प्रति सच्चे रहो। ये तुमको संकट में ले जा सकती है, फिर भी संकट में जाओ, परंतु आंतरिक आवाज के प्रति सत्य रहो। तब ये संभावना बनती है कि एक दिन तुम उस स्थिति में पहुंचोगे जहां तुम आंतरिक पूर्णता के साथ अपने होने को जी पाओगे। हमेशा देखो, पहली चीज तुम्हारा खुद का अस्तित्व है और दूसरों को अपने ऊपर नियंत्रण या प्रभावित करने की अनुमति ना दो। हाँ, उनकी भीड़ है, हर कोई तुम्हें कंट्रोल यानी नियंत्रित करने, तुम्हें बदलने, तुम्हें एक दिशा देने के लिए तैयार है जिसके लिए तुम्हें नहीं पूछा जा रहा। हर कोई तुम्हारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शन दे रहा है और असली मार्गदर्शन तुम्हारे भीतर है। तुम अपने भीतर उसे लिए घूम रहे हो जैसे कस्तूरी कुंडल बसे। स्वयं के प्रति सच्चा होने का अर्थ है स्वयं के प्रति सत्य होना। ये प्रोसेस आसान नहीं है, एक डेंजरस फिनोमेना कह सकते हैं इसको। सिर्फ कुछ ही लोग इसे जी पाते हैं, लेकिन जो भी जी लेते हैं वो पा लेते हैं। वे ऐसी सुंदरता, ऐसी कृपा, ऐसा संतोष प्राप्त करते हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि हर कोई इतना निराश दिखाई देता है तो कारण यही है कि किसी ने अपनी स्वयं की आवाज को नहीं सुना। फिर दूसरी बात, यदि तुमने पहली बात को साकार किया है तभी दूसरी संभव होती है। कभी मुकुटा ना पहने, डोंट बी अ हिपोक्रेट, बी योर ओरिजिनल फेस। यदि तुम क्रोधित हो तो क्रोधित रहो, ये जोखिम भरा है, परंतु मुस्कुराओ नहीं क्योंकि ये असत्य होना है। परंतु तुम्हें सिखाया गया है कि जब तुम क्रोधित हो तो मुस्कुराओ, तब तुम्हारी मुस्कान झूठी है, एक मुखौटा बन जाती है, बस होठों की एक कसरत और कुछ नहीं। अंदर तुम्हारे भीतर क्रोध का जहर है और होठों पर मुस्कान, तुम एक झूठ बनकर रह जाते हो और झूठ हो जाते हो। और तीसरी मुख्य बात, हमेशा वर्तमान में रहो, क्योंकि सभी झूठ या तो अतीत से आता है या भविष्य से। जो बीत गया है वह बीत गया है, उसके बारे में चिंता ना करो और उसे एक बोझ के रूप में ना उठाओ, अन्यथा ये तुम्हें वर्तमान के प्रति सच्चा रहने नहीं देगा। और जो आने वाला है वह अभी तक नहीं आया है, भविष्य के बारे में अनावश्यक चिंता ना करो, अन्यथा वह वर्तमान में आकर उसे नष्ट कर देगा। वर्तमान के प्रति सच्चे रहो और तब तुम असली होगे। नाउ एंड हियर, यहाँ और अभी में रहने ही असली होना है। कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, ये क्षण सब कुछ है, ये क्षण संपूर्ण अनंत है। अपने असली होने को जीना है, समझौता मत कर लेना, नहीं तो जीवन ने ये जो स्वर्णिम मौका दिया है तुम उसे चूक जाओगे। प्रणाम।